गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज एम एस एक्सेल के उसी क्रम में मैं आज आपको फिर आगे से बताता हूँ। तो आइए आगे की जानकारी। सबसे पहले जो होता है बेटा, रिबन होता है। रिबन दो भागों में बटा होता है, यानी एक तो कमांड्स और दूसरा है टैब्स। ये आपको टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स हैं। और जो कमांड्स हैं वो ये वाली हैं, सबकी अलग अलग कमांड्स हैं, दिखाई दे रही है बेटा। अगर आप अगर होम पर करते हो तो होम की कमांड, अगर इंसर्ट पर करते हो तो इंसर्ट की सारी कमांड आपको दिखाई दे रही है। पेज लेआउट पर क्लिक करते हो तो पेज लेआउट की कमांड दिखाई देंगी। फॉर्मूलाज की पे क्लिक करते हो तो फॉर्मूलाज की कमांड दिखाई देंगी। डाटा पर क्लिक करते हो तो डाटा की कमांड दिखाई देंगी। रिव्यू पर रिव्यू की कमांड और व्यू पर व्यू की कमांड दिखाई देंगे। तो इनको हम जो हमारा जो रिबन है वो दो भागों में बटा होता है। आप रिबन को यानी छुपा भी सकते हो और दिखा भी सकते हो। आप माउस को खाली स्थान पर ले जाएं, जैसे यहाँ पर खाली स्थान है, उसका माउस का राइट बटन क्लिक करें, मिनिमाइज द रिबन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने मिनिमाइज रिबन पर क्लिक किया, आपका जो कमांड्स थी वो छुप गई। अगर आप चाहते हो कि उसको दोबारा से पुनः प्राप्त करें तो दोबारा से होम पे क्लिक करें और इसको फिर यहाँ से हटा दें। अगर आप ये लग रहा होगा कि ये तो होम पे क्लिक करने पर हमको दोबारा से दिखाई दे गया, लेकिन जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करोगे ये छुप जाता है। देखो फिर छुप गया, लेकिन हमको छुपाना नहीं है, हमको ये ऑन स्क्रीन रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको हम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद खाली स्थान पर जाकर राइट क्लिक करेंगे माउस का और मिनिमाइज पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा सब कुछ वैसा था वैसे ही वापस आ जाएगा। ये तो हुआ रिबन की बात बेटा। अब मैं बात करता हूँ विंडो के कुछ मुख्य भागों की। आप ये वाला स्थान देख रहे होंगे, इनको बोलते हैं बेटा हम फॉर्मूला बार, दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका दूसरा ऑप्शन है बेटा, इसमें फॉर्मूला होते हैं। ये वाला आपको नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स, यानी जौन सा भी नेम जिस बॉक्स में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये दिखा रहा है V3, यानी V और 3, जिसमें भी हम जिस सेल में भी काम करेंगे उसमें उसका वो नाम दिखाएगा। ये आपको भी बेटे आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे बॉक्स, इनको बोलते हैं बेटा हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ये कॉलम होते हैं ABCDEFGHIJKLM, ये 256 होते हैं बेटा, 256, और इनको बोलते हैं बेटा रो, 1 2 3 4 5। ये 65536 रो होती हैं बेटा। कितनी होती हैं? 65536। तो रो को जो हम पहचानते हैं, रो का जो नाम है वो 1 2 3 होता है, और कॉलम का जो नाम है वो बेटा ABCD के नाम से पहचाना जाता है। आपको ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं बेटा हम सेल, सक्रिय सेल यानी एक्टिव सेल। ये जो सेल बनते हैं वो कॉलम और रो के कटान बिंदु यानी एक दूसरे से काटते हैं। देखो रो वाला जा रहा है, ये कॉलम जा रहा है और ये रो, जब कॉलम रो तो बन गया ना बॉक्स बेटा, यानी रो कॉलम रो, यानी ये रो है बेटा, अगर हम ऐसे करते हैं तो ये कॉलम है। इन दोनों के कटान बिंदु से जो बनता है उसको हम बेटा सेल बोलते हैं, और जिसमें हम कार्य कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा वर्क बुक। क्या बोलते हैं? वर्क बुक। और एक वर्क बुक में बाई डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं, यानी 3 सीट, सीट 1 सीट 2 सीट 3। अगर चाहें तो हम इसके द्वारा भी सीट को बढ़ा सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि और कोई सीट आए तो भी बढ़ा सकते हैं। ये तो हुई बेटा इनकी सबकी जानकारी। अगला ऑप्शन है फाइल को कैसे सेव करेंगे हम। मान लीजिए मुझे अगर फाइल सेव करने की आवश्यकता पड़ती है तो फाइल को कैसे सेव करेंगे, तो सबसे पहले हम
फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, उस सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे, आप जिस भी डिस्क या ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो आप उस ड्राइव को सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मुझे पलक डी में सेव करना है और यहाँ पर अपना नाम दे दूँगा। मान लीजिए कोई भी नाम देना है जिस नाम से आप उसको सेव करना चाहते हो, तो हम RAM राम के नाम से सेव करना चाहता हूँ, राम लिखा और सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने राम पर क्लिक किया, हमारा राम के साथ सेव हो गई। दूसरा ऑप्शन है बेटा, अगर हमको पुरानी फाइल खोलनी पड़ जाए तो वही ऑप्शन होगा। सबसे पहले फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, ओपन पर जाएंगे और जिस भी ड्राइव में हमने फाइल को सेव कर रखा है, जिस भी उस ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और जिस फाइल को खोलना है, या फिर डायरेक्ट या तो आप इनमें से ढूंढ सकते हो या नाम लिख के भी उसको प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए RAM राम के नाम से मैंने सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया, क्योंकि वाइट डिफॉल्ट राम खुला हुआ था इसलिए राम के नाम से फाइल ओपन हो गई। अगर मान लीजिए हमें ये सारी चीज़ें, हमने मान लीजिए इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, हम अगर मुझको नई MS Excel फाइल खोलनी पड़े तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें फाइल मेनू पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक, और बाय डिफ़ॉल्ट खुली होती है, आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, आपको एक नई वर्कबुक आपकी स्क्रीन के सामने होगी। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बुक राम हमने पहले से ऑलरेडी सेव कर रखी है, तो राम की फाइल दिखा रहा है। अगर हम बुक नंबर, ये सेव नहीं है इसलिए इसको बुक नंबर 2 दिखा रहा है। बेटा समझ में आई बात? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।